रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, मतलब दोस्तों आपका कंधा बार बार में डिसलोकेट हो रहा है, आखिर ये क्यों होता है और इसके लिए सबसे एडवांस्ड सर्जरीज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। तो दोस्तों पहली बात करते हैं कि आखिर शोल्डर जब डिसलोकेट होता है तो क्या होता है। जब भी एक बार शोल्डर डिसलोकेट होता है दोस्तों, तो शोल्डर में एक टिश्यू होता है, आपके शोल्डर में जो ग्लिनॉइड होता है, ग्लिनॉइड के ऊपर एक टिश्यू लगा होता है जिसको नाम होता है लेब्रम, वो आपके शोल्डर को डिसलोकेट होने से बचाता है। तब जब पहली बार आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है तो वो लेब्रम एक जगह से फट जाता है। मोस्टली वो जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है एंटीरियो इन्फीरियर। सो एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट से आपका लेब्रम फट जाता है, तो अब वहाँ पे सपोर्ट नहीं रहता जो पहले लेब्रम दे रहा था, इस वजह से रिकरेंट डिसलोकेशन, मतलब बार बार में डिसलोकेशन होने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारा ग्लिनॉइड है और ग्लिनॉइड के ऊपर इस तरह से हमारी हाथ की हड्डी जो ह्यूमरस होती है वो आर्टिकुलेट करती है। सो ये जो लेब्रम, ये पहाड़ जैसा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे ग्लिनॉइड पे जो डिसलोकेशन से बचाता है। दोस्तों जब पहली बार आपका कंधा डिसलोकेट होता है तो ये लेब्रम जो देख रहे हो आप, पहाड़ की तरह जो स्ट्रक्चर रहता है, ये यहाँ से फट जाता है एंटीरियो इन्फीरियर। सो अब जैसे ये फट गया है, इसके बाद कंधा बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो अब ख़त्म हो गया है। इस कंडीशन में सर्जरी ज़रूरी होती है। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ लेब्रम फटा है, फिर नीचे की हड्डी घिसने लगती है। एक बार अगर ग्लिनोइड का बोन लॉस ज़्यादा हो गया तो इसको भी फिल करने के लिए अलग हड्डी लगानी पड़ती है, अलग ऑपरेशन होता है। दूसरा, जब भी ये हमारा जो ह्यूमरस का हेड जब डिसलोकेट करता है तो जो हेड होता है वो इस कोने से इम्पिंज करता है, तो हेड के अंदर भी खड्डे होने लगते हैं जिसका नाम होता है हिल सेक्स लीजन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और डेवलप होती रहती है अगर हम इग्नोर करें इसको, और बहुत बार डिसलोकेशन होने लग जाए। सिंपल सर्जरी होती है दोस्तों, दूरबीन से सर्जरी होती है, आर्थरोस्कोपिक आर्थरोस्कोपिक सर्जरी होती है, और यहाँ पे हम ग्लिनॉइड के अंदर एंकर्स लगा देते हैं और जो एंकर्स से जो थ्रेड्स निकलते हैं हम उसमें यहाँ पे नॉट बांध देते हैं। ये तो ये सिंपल एक नॉट वाली सर्जरी जिसमें आप सिंपल एंकर्स यूज़ कर रहे हो, उसमें धागे लगे हुए और आपने उससे नॉट लगा दिया। आज हम बात करेंगे नॉटलेस सर्जरीज़ की जिसमें ऑटोमेटिक नॉट्स होती है। आखिर वो इम्प्लांट्स बेटर क्यों रहते हैं और कैसे की जाती है सर्जरी, उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें एनिमेशन में पहले आप देख रहे हैं कि एंकर के लिए छेद किया जाता है, फिर ये एंकर डाल दिया जाता है। अब ये जो एंकर डाला है दोस्तों, ये नॉटलेस एंकर है, इसके अंदर गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंकर से जो धागे निकल रहे हैं उसको हम लेब्रम के टिश्यू में से पास करते हैं। एक बार हमने लेब्रम के टिश्यू में से धागे पास कर दिए एंकर से जो निकले हुए हैं, अब इन एंकर्स के धागों की शटलिंग की जाती है जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया। अब जब शटलिंग करके मैं ये वाला वायर जब खींचता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉट लगने लग जाती है। जो एंकर जो अंदर गया, ये ऑल फाइबर एंकर है, इसके अंदर नॉट ऑटोमेटिकली लगी है। मुझे ऊपर गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे से ये धागा खींचता रहूँगी अपना आप नॉट लगती रहेगी और ये ढीला नहीं होगा। एक एडवांस एंकर है जिसकी वजह से हमें नॉट नहीं लगानी पड़ती, नॉट ऊपर चुभती भी नहीं है, और इसमें जो टेंशनिंग होती है वो आप ज़्यादा कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी टेंशनिंग कर सकते हो। नॉट लगाने के बाद टेंशनिंग शायद उतनी अच्छी नहीं हो, अगर एक बार ढीली नॉट लग गई तो उसको वापस टाइट करना पॉसिबल ही नहीं है। नॉट एक बार लगी वापस टाइट नहीं होती, इसमें आप इसको मल्टीपल टाइम टेंशन कर सकते हो और इसमें ज़्यादा टेंशनिंग मिलती है, टिश्यू ज़्यादा खींच के आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो एक बार एंकर चला गया, आपने नॉट लगा दी तो नॉट अंदर है, अब ग्लिनॉइड के अंदर है, कहीं नॉट नहीं लगी। ये नॉटलेस सर्जरी है। नॉटलेस सर्जरी में मल्टीपल बार टेंशन कर सकते हो और टेंशनिंग बेटर भी आती है। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आ गए। ये छोटी सी सर्जरी है, 2 से 3 छेद में ये सर्जरी कंप्लीट होती है, इसमें चीरा नहीं लगता और लेब्रम हम आपका वापस इसमें रिपेयर कर देते हैं और आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि आप इंजरी से पहले थे। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी डाउट है या फिर आपका कंधा बार बार में उतरता है, MRI में लिखा हुआ रहा है बैंकार्ड लीजन, हिल सेक्स लीजन, तो हिल सेक्स का क्या करना है, कौन सा बैंकार्ड है, बोनी बैंकार्ड है, कार्टिलेजनस बैंकार्ड है, किस तरह की सर्जरी करनी चाहिए, कौन से एंकर्स लगने चाहिए, आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा कि सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।